बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपको इंशाल्लाह एक खूबसूरत जगह की सैर करवाने के लिए जा रहा हूँ। अभी हम घर से निकले हैं जलालाबाद से। मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं और ये भी बहुत इंजॉय करते हैं, शहराज भाई। एंड वीवर्स, अभी हम इस वक्त घर से निकल के संगड़ी मेरा के मुकाम पर मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से आपको ये जो है सारी टूर और ट्रिप में दिखाऊंगा, जो मेरा घूमने फिरने का तरीका है, जो मेरा निकलने का स्टाइल है और जो ये खूबसूरत जगह हैं। तो इस व्लॉगिंग में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज़ाद कश्मीर कितना खूबसूरत है और इसमें तो बहुत ही प्यारे प्यारे इलाके जैसे कि नीलम वैली, लीपा वैली, शारदा, दुधनियाल और पीछे चले जाएं तो ये रास्ते में आपके पास चकार, बाघ, भटियाँ वाला, सरा चटियाँ। मेरा कहने का मतलब है व्यूअर्स के, आज़ाद कश्मीर के भी बहुत सारे अनगिनत नज़ारे बाकी हैं जो आपको इंशाल्लाह आपने अगर देखे भी हुए हैं तो मैं अपने अंदाज में ज़रूर दिखाना चाहूँगा। अभी हमने शुरुआत कर दी है और आज हम जा रहे हैं पीर चनासी की जानिब और ये ट्रैक देखें कितना खूबसूरत है। फ़िलहाल मैं आपको बताता चलूं कि क्योंकि अगस्त का महीना है तो गर्मी तो बहुत है, मगर आप हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप बिलीव मी कि इस सफ़र में अभी कुछ देर के बाद, कुछ मोड़, कुछ थोड़ी सी हाइट पे जाने के बाद ये गर्मी खुद ब खुद सर्दी में चेंज हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि ये क्या मेरिकल हो गया है। तो अल्लाह ताला ने इस मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर को बहुत सी खूबसूरतियों से नवाजा है। मैं बहुत प्यारी प्यारी जगहों पे गया व्यूअर्स, जैसा कि जब मैं लीपा के सफ़र पे गया तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, खूबसूरती, पहाड़ और इसके अलावा वहाँ के फल जैसा कि सेब लीपा का बहुत मशहूर है, अखरोट बहुत मशहूर हैं, वहाँ का देसी घी बहुत मशहूर है, क्या कहते हैं, वहाँ का मक्खन बड़ा मशहूर है। वहाँ पे आपको जो दही मिलता है ना व्यूअर्स, दिन के खाने के साथ या नाश्ते के साथ लीपा का जब आप दही खाएँगे तो आप ये बाज़ार वाला प्राइम दही और ये दूध भूल जाएँगे। इसके अलावा वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनती लोग हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है लीपा भी। और वहाँ का जो पानी है बिल्कुल ताज़ा चश्मों का पानी है, बीमारियाँ बिल्कुल नहीं है लीपा के अंदर। नेचुरल जो अल्लाह की तरफ से है तो वो तो आपको पता है हर जगह पे ही है, मगर लीपा के अंदर बीमारियाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम संगड़ी मेरा की जानिब रवा दवा हैं। संगड़ी मेरा क्रॉस कर चुके हैं और अब हम ये आप माउंटेन देख रहे हैं साइड पे, शुरुआत हो चुकी है पीर चनासी ट्रैक की। लुक एट द ट्रैक। तो आज संडे भी है, बहुत से लोग आए होंगे छुट्टी की वजह से। आपको पता है बहुत सारे वीकेंड पे पूरा हफ्ता बहुत सारे काम होते हैं लोगों को, मंडे टू सैटरडे तक एवरीवन इज़ बिज़ी, बट आज मज़ा आएगा। मैं बड़ा खुश हूँ व्यूअर्स क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी मौजूद हैं। एंड यू नो, जब आपके साथ आपकी माइंड के मुताबिक आपके जो दोस्त होते हैं, पार्टनर होते हैं, भाई होते हैं, तो आप उस सफ़र को बहुत इन्जॉय करते हैं। ये मुझसे एज में बहुत छोटे हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ क्या मुझसे छोटे हैं, लेकिन बॉडी और सेहत में ही आपको मुझसे बड़े लग रहे होंगे। तो ओवरऑल ये कि भाई लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अभी ही ठंडक स्टार्ट हो गई है व्यूअर्स, तो कुछ देर के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा एट इम्तियाज़ वानी व्लॉग्स, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।